सो बैक टू माई चैनल मिस एग्जाम पेपर। सो आप इलैवंथ क्लास के लिए जो मृत कथावान पंजाबी का हैगा प्रहलाद भगत का कथा सार लैके एंड क्वेश्चन आंसर करा, ठीक है। बीत पहलो समरी फिर क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना कर दे, आप सारे टाइप करके लै चुके हैं तो PDF भी मिल जूगा। तो PDF बारे तो बाद दसूँगा, पहले मैं तुम्हें दादा पढ़ देना, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर दे, स्टार्ट कर दे। प्रहलाद भगत की कथा का सार अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, हरनाक्ष ते प्रनाक्ष नां दे दो भरा बैकुंठ विच रहिंदे सन। देवतिया दे शराप कारण इन्हां नूं बैकुंठ विचों निकलना पै गया। हरनाक्ष धरती उत्ते आके राज करन लगा, पर प्रनाक्ष दी अचानक मौत हो गई। हरनाक्ष भावें बलवान सी पर वह मौत तो बहुत डरदा सी। मौत उत्ते काबू पाउण लई वह अपना राजभाग छड के हिमालय पर्वत विच पुज्जा ते तपस्या करन लग पिया। उस दी तपस्या तो प्रभावित हो के परमात्मा उस दे सामने प्रगट होया। हरनाक्ष ने उस तो हेठ लिखे वर मंगे। सो पढ़ते कि वर, नंबर एक, मैं ना दिन मरा ना रात मरा, मैं ना अंदर मरा ना बाहर मरा, मैं ना धरती उत्ते मरा ना मैं आकाश ते मरा, मैं ना बीमारी नाल मरा ना मैं हथियार नाल मरा, ना मैं ना मनुख तो मरा ना मैं पशु तो मरा। सो ये पांच वर से अगे पढ़ते हैं। परमात्मा ने यह वर दे दिते ते हरनाक्ष बड़ा खुश होया। वह बेखौफ होके मुड़ राज करन लगा। उसने अहंकार विच आके लोका उत्ते जुल्म करने आरंभ कर दिते। अहंकार विच उसने लोका नू परमात्मा दी थां अपना नाम जपन दा हुक्म दिता। कुछ समय पिछों हरनाक्ष दे घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम प्रहलाद रख्या गया। बड़ा होण ते उस नू पाठशाला पढ़न लई भेजा गया। पांदे ने प्रहलाद नू हरनाक्ष दा नाम जपन दी सिक्ख्या दित्ती, पर प्रहलाद हरनाक्ष दी थां परमात्मा दा नाम जपदा सी। परमात्मा नू हरनाक्ष नालों वड्डा समझदा सी, इस करके उसने मतलब पांदे ने हरनाक्ष कोल शिकायत कीती। हरनाक्ष ने प्रहलाद नू सद के पुछया कि वह उस दा नाम जपन दी थां परमात्मा दा नाम क्यों जपदा है। प्रहलाद ने उत्तर दिता, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसने यह सारी कुदरत नू रचिया है। यह सुन के हरनाक्ष गुस्से विच आ गया। उस नू डर पै गया कि किते होर लोग भी उस तो बैगी ना हो जान। उसने कड़क के कहा, सब तो वध शक्तिशाली मैं हाँ, मैनू कोई नहीं मार सकता, मैं तेनों हुणे मार के सुटदा हाँ। उस दी आवाज़ सुन के प्रहलाद दी माँ उत्थे आ गई। उसने हरनाक्ष अगे तरला किया कि वह प्रहलाद नू ना मारा है। उसने उस नू समझाया दा यतन किया। उस दे प्रहलाद नू उस दे पिता दी शक्ति ते प्राप्त किते वरा बारे दस के कहा कि वह उस दी गल मन जावे, उस दा ना जपे। प्रहलाद ने उत्तर दिता कि सब शक्तिमान भगवान है जिसने सानू सारिया नू बनाया है, पिता नू जी नू भी उसने ही बनाया है। सो अगे पढ़ दिया, प्रहलाद दा उत्तर सुन के उस दी माँ बेबस हो गई। प्रहलाद नू अपने विश्वास विच दृढ़ वेख के हरनाक्ष नू होर गुस्सा चढ़ गया। उसने जलादा नू हुक्म दिता कि वह प्रहलाद नू समुंदर विच डुबो के मार देन। जलाद प्रहलाद नू समुंदर विच सुट्टण लई लै तुर पए। जदों उन्हां प्रहलाद नू समुंदर विच सुट्टिया, समुंदर दी इक लहर ने प्रहलाद नू मुड़ किनारे उत्ते सुट दिता। जलादा ने प्रहलाद नू मुड़ समुंदर विच सुट्टिया पर फिर वह बाहर आ गया, मतलब जो किनारे ते आ जांदा सी। जलादा ने आ के सारी गल हरनाक्ष नू दसी। हरनाक्ष ने उन्हां नू कहा कि वह प्रहलाद नू किसी उच्चे पर्वत तो सुट के मार देन। जदों जलादा ने इंज किया तो प्रहलाद एक संघने रुख उत्ते आ डिग गया ते उसनू कोई सट ना लगी। फिर हरनाक्ष ने प्रहलाद नू एक पागल हाथी अगे सुटिया, पर हाथी ने प्रहलाद नू कुछ ना कहा। हरनाक्ष दी भैन एक भैन सी मतलब, ते उसनू बर सी कि उस नू अग नहीं साड़ सकती। हरनाक्ष नाल सलाह करके वह उस नू अपनी बुक्कल विच लैके अग विच बैठ गई ता जो प्रहलाद सड़के मर जावे। पर
होया यह कि होलिका सड़ गई, प्रहलाद बच गया। हुण हरनाक्ष गुस्से विच पागल हो गया। उसने एक लोहे दे थंब नू गर्म करवाया। उसने अग नाल लोहे दे थंब नू प्रहलाद नू सद के पुछया, तेरा परमात्मा किथे है? प्रहलाद ने उत्तर दिता, परमात्मा तां कण कण विच है, वह मेरे विच तुहाडे विच ते सारिआं विच है। प्रहलाद हरनाक्ष ने पुछया कि परमात्मा इस सड़दे थंब विच भी है? प्रहलाद ने हाँ विच उत्तर दिता। तद हरनाक्ष ने कहा कि परमात्मा इस सड़दे थंब विच भी है, तां वह उस थंब नू जपी पावे। इस समय प्रहलाद नू थंब उत्ते एक कीड़ी तुरदी नज़र आई। प्रहलाद ने निडर हो के गर्म थंब नू जपी पा लई ते उस दा कुछ भी ना बिगड़िया। यह देख के हरनाक्ष ने गुस्से विच अन्ने हो के तलवार कढ लई ते प्रहलाद उत्ते वार कीता। तलवार थंब विच वजी ते थंब टुट गया। थंब विचों परमात्मा नरसिंह दे रूप विच प्रगट होया। परमात्मा दे इस रूप दा अद्धा धर मनुख दा अते अद्धा शेर दा सी। वह हरनाक्ष नू चुक के दहलीज उत्ते बैठ गया ते उस दा सिर अपने पट्टा विच रख लिया। हरनाक्ष ने नरसिंह नू अपनी वर प्राप्ति बारे दस्या। नरसिंह ने कहा कि उस नू उस दे वर दियां सारियां शर्तां पूरियां करके ही मारिया जा रहा है। यह कह के नरसिंह ने हरनाक्ष नू अपनी नहुंदरा नाल मार दिता। इस समय ना ही दिन सी अते ना ही रात सी, बल्कि दोवें वक्त मिलते सन, भाव शाम दा समा सी। अगे 2 मिनट। उस समय हरनाक्ष ना अंदर सी ते ना बाहर सी, सगों वह दहलीज उत्ते सी। वह धरती जां आकाश दी थां नरसिंह दे पट्टा उत्ते सी। वह ना बीमार नाल मरिया, ना हथियार नाल मरिया, सगों नरसिंह दे नहुंदरा ने उस नूं सदा दी नींद सुला दित्ती। उस नूं मारन वाला वाला ना पूरा मनुख रूप विच सी, ना ते पशु रूप विच। इस तरह हरनाक्ष नूं वर प्राप्ति भी ना बचा सकी। हरनाक्ष दे अंत मगरों प्रहलाद धरती उत्ते राज करन लगा ते उस दे राज विच सारे सुखी सी। सो नैक्सट क्वेश्चन भी नाल ही सी, ठीक है। देखो प्रश्न 2, प्रहलाद भगत नूं कीड़ियां कीड़ियां मुसीबतां विचों लंघना पिया ते क्यों? सो सिंपल जिहा आंसर तुहानूं पता ही है, इहदे विच आपां पढ़िया वी है। हरनाक्ष अपने प्रहलाद पुत्तर उत्ते क्यों खफा हुंदा सी ते उह उस नूं मारन लई की प्रबंध कीता? सो सिंपल जिहा आंसर लिखिया होया, प्रहलाद भगत ने जदों अपने पिता हरनाक्ष दे हुक्म अनुसार परमात्मा दे नाँ दी थां उस दा दुस्ता नाँ जपण तों इनकार कर दिता, तां इस तों उस नूं होरां लोकां दी बागी होण दा खतरा पैदा हो गया। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਫਲਸਰੂਪ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਥੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਥੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਸੜ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਫਿਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੋਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਗਰਮ ਥੰਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਗੂਗਲ 'ਤੇ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੈਕ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਗੂਗਲ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਰਮੇਸ਼, ਕੁਛ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ, ਰਮੇਸ਼ ਇਗਜ਼ਾਮ ਪੇਪਰ blogspot.com ਇਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਗੂਗਲ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੁੱਲੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ PDF ਇਹਦਾ, ਆਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਵਯੰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਿਵਯੰਤੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦਾ ਇਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੀਜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਤੇ। ਦੂਜਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਅਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਫੋਰਮ 'ਚ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਜਾ ਕੁਸ਼ਚਨ
हरनाक्ष ने केड़ा वर प्राप्त किया सी ते यह वर उस लई श्राप किवें बन गया। सो पढ़ते हैं, हरनाक्ष ने परमात्मा तो हेठ लिखे वर प्राप्त किए। नंबर एक, मैं ना दिन मरा मैं ना मैं रात मरा। पढ़े ही अपना, ना मैं अंदर मरा, ना मैं बाहर मरा, ना मैं धरती उत्ते मरा, ना मैं आकाश उत्ते मरा, ना मैं बीमार ना मरा, ना मैं हथियार ना मना, मैं ना मनुख तो मरा, ना मैं पशु तो मरा। सो ये बर्द कि दिल श्राप बने। यह बर प्राप्त करके हरनाक्ष हंकारी बन गया ते वह लोगों उपर जुलम करन लगा। उसने लोगों नू परमात्मा दी थां अपना ना जपन दा हुक्म दिता। उसके पुत्र प्रहलाद ने उसका यह हुक्म ना मनिया ते उसने उस नू समुंदर विच सुट के, पर्वत तो सुट के, पागल हाथी अगे पा के, अग विच साड़ के, तपदे थब नू जफ्फी धुआं तो भी तलवार नाल मारन दे यतन किते। अंत थंब विचों निकले नरसिंह ने शाम वेले उसनू दहले जूते ले जाके कीता ही मार दिता सी, पट्टा उत्ते रख के मार दिता सी। बस सिंपल जाना सी लिखना सी, इस तरह वो जिहड़ा वरदान सी श्राप बन गया ही। नैक्सट फोर क्वेश्चन भी देख लिया अपना शब्द च, प्रहलाद की भूआ नू केड़ा वर मिलिया हुआ सी ते उसने इस वर की मंदी वरतों किवें कीती। जिहड़ा वर मैं सिंपल शब्द दस दें तो इत्थे आके तुसीं लॉग इन कर लेना, जिहड़ा प्रहलाद की भूआ जी सी उसनू केड़ा वर मिलिया सी, वह अग विच नहीं सड़ सकती, अग उसनू सड़ नहीं सकती। पर जो वह मन की वरतों करते प्रहलाद नू अपनी बुक्कल विच लैके अग विच बैठ जाती, फिर की हुंदा जिहड़ा भूआ जी आ मतलब हरनाक्ष की भैन वो जल जाती, पर प्रहलाद नू कुछ नहीं हुंदा। सिंपल शब्द इस तरह लिखदा, वह मन की वरतों करन नाल जिहड़ा सड़ जाती है। ठीक है, नैक्सट है क्वेश्चन, नरसिंह कित्थों ते किवें पैदा होया सी। नरसिंह कित्थों होया सी, थंब विच्चों पैदा होया सी। जदों हरनाक्ष की तलवार दे बार नाल थंब टुट गया तो नरसिंह परमात्मा आप सी, उसका अद्धा सर जरा कि शेर का अद्धा से मनुख का। लास्ट क्वेश्चन रह गए मेरे ख्याल, उस तो बाद बस स्टूडेंट क्वेश्चन तुम इतने आके ही पढ़ लेना। प्रश्न, हरनाक्ष का अंत किमें अते किसने किया। सो आप साल में भी पढ़िया तो आप हूँ भी पढ़ देने, हरनाक्ष का अंत परमात्मा ने नरसिंह के रूप में रूप धार के किया से। नरसिंह कौन सी, थोड़ा लिखे नहीं गया थे, नरसिंह हरनाक्ष चुक के दहलीज है ना, थोड़े मिस्टेक है, दहलीज दद्दा ना दहलीज दहलीज उत्ते बह गया तो उस दे सिर घोटा बिच रख लिया, मतलब पट्टा देना सी, थोड़ा जि स्पिनिंग पट्टा ते विच रख लिया, थोड़ी मिस्टेक हुई टाइपिंग चो देख लियो, पट्टा च रख लिया। हरनाक्ष ने उस दे कर दिया शर्त, मतलब जो भी बर्द दिया शर्त सी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने, मतलब शाम के टाइम ना ही उसनों दिने मारे, ना रात, ना आकाश में, ना धरती से उसनों अपने पट्टा से रख के, ना हथियार ना मारिया, वह किसने मारा सी, नहुंदरा नाल अपने मार दिता सी, तुहानू पता ही है। सो अपने सिंपल शब्दों में लिख देना, तो बस तुम प्रश्न उत्थे आके तुम पढ़ लेना। ठीक है, तो देख ही सकते हो की है अपना ब्लॉग का। ठीक है, तो दस दिता सेम टू सिंपल है रमेश एग्जाम, अदर तुम आज दिख रहे हो ना, रमेश एग्जाम पेपर blogspot.com, तुम आके गूगल पर ही सर्च करना, तो स्क्रीनशॉट लैके भी तुम जाके इतने बाकी सर्च कर सकते हो। ओके, चलो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन नवी वीडियो ना, बाय।